भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे रहा है, उसके आधार पर 10 मार्च को समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके समाप्तवादी पार्टी हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? समाप्तवादी पार्टी। और यहाँ ताकत मेरे यूपी की जनता के बीच में है। समाजवादी पार्टी माने अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को पैदा करने वाली फैक्ट्री। बसपा माने भ्रष्टाचार, कांग्रेस माने तुष्टीकरण। यह सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। महोबा की दोनों और बुंदेलखंड की 19 के साथ हम सब लोग उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटें फिर जीत रहे हैं। पूरा विश्वास है कि आप मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने वाले श्री अखिलेश यादव जी की मुझे जो अंदाजा है, मुझे जो फीडबैक है, उसके हिसाब से पहले चरण के चुनाव में ही साइकिल उड़ करके सैफई चली गई। अखिलेश जी कह रहे हैं कि नई हवा और नई सपा है। देखिए, नई सपा नहीं, जिसके ये जो नई सपा नहीं, ये वही सपा है जिसके अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी थे, उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। जिनमें गुंडे अपराधी माफिया थे, वो वही गुंडे अपराधी माफिया हैं। इसे जनता ने तय किया है कि हम कमल का बटन दबाएंगे, जीवन के हर क्षेत्र में खुशहाली पाएंगे। साइकिल के बटन दबाएंगे तो एक अतीक अहमद, एक मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी को पैदा करने का रास्ता बनाएंगे। इसलिए कोई नहीं चाहता अखिलेश यादव को कौन सी वैक्सीन लगने वाली है, वो तो जनता लगाएगी कमल फूल की वैक्सीन। हिजाब का खिताब जो इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं, जो बच्चों को स्कूल के यूनिफॉर्म पहनने में भी अड़चन डालते हैं, उनको जवाब जनता देगी। सर, उन्होंने कहा है कि दोनों चरण के मतदान, दूसरे चरण का भी मतदान हो रहा है और लगातार सपा और गठबंधन को बहुत बहुमत मिल रहा है, तो क्या लगता है अखिलेश यादव आपको क्या लगता है? आप भी कमल के फूल को वोट देने वाले हो मुझे मालूम है। और साइकिल पंचर हो गई थी 2014-17-19 में। आप जो बचा है 22 में आप देखिएगा, 10 मार्च को आपको दिखाई देगा कि श्री अखिलेश यादव जी सैफई गए कि ऑस्ट्रेलिया गए, राहुल गांधी जी और प्रियंका मैडम इटली गई कि नानी के यहाँ की कहाँ कहानी बना रही है, मायावती जी वैसे भी घर से नहीं निकलती थी। तो आप ये विश्वास रखिए कि हमने जनता की पूरी जिम्मेदारी से, ईमानदारी से सेवा की है। इसलिए जनता का आशीर्वाद जो 2014 से भाजपा को प्राप्त हुआ है, अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित वर्ग की त्रिवेणी भाजपा के साथ, हमारा गठबंधन भाजपा अपना दल निषाद पार्टी का गठबंधन, उसकी ताकत हमारे साथ है। और उत्तर प्रदेश की जनता का, किसान का, गरीब का, मजदूर का, मेरे नौजवानों का ये आशीर्वाद, इनके जोश, खरोश, इनकी जवानी की शक्ति पूरी भाजपा के साथ लगी हुई है। भाजपा कोई आराम की बार फिर 300 पार। धन्यवाद।